पेट दीपक रोटी दीपक पता नहीं लोगों तो की करण से मजबूर कर देते हैं। तो किस्मत की बात कभी एक दिन में कभी 2000 भी कमा लेते, 1500 भी, 1000 भी, 700, 500 किस्मत की बात हमको नहीं मिलता ना, तो हम किसी से जबरदस्ती छीनने थोड़ी जाते हैं, छीनने नहीं जाते हैं, जबरदस्ती मांगते भी नहीं है। मर्जी हो तो नहीं मर्जी हो तो मत दो, किसी से जबरदस्ती नहीं मांगते हैं। जैसे हमारी भाभी है, एक बहन है, एक भतीजी, बस इतना आदमी। हम सारा परिवार यही काम करता है। अब तो बहुत लोग अब तो काम करते हैं, अब ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं, हाँ ज़्यादा नहीं। अब तो काम करने जाते हैं, हमारे पापा भी काम करने जाते हैं, सब लोग काम करने जाते हैं। खाने पीने से हमको भगवान की वजह से कमी नहीं रहती है, खाने पीते आजाद रहते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਹਮ ਜਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਤੇ, ਗਾਉਂ ਮੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ, ਮਾਰਕੀਟ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੁਹੱਲਾ, ਕਾਲੋਨੀ, ਬਸਤੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਤੇ। ਤੋ ਇਤਨਾ ਰਿਸਕ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਆ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਕਾ ਬੋਤਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, फिर ये सिखाता कौन है, असल में सिखाता कौन है? हमारे बाप दादा पुरखे से पहले हमारे यही काम, बचपन से हमारे यही काम चल रहा है, यही करते हम। ऐसा छोटा रहता है, पहले धीरे धीरे दिखाता है, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते, सीख जाते अपने आप, प्रेस्टिक रहती है, धीरे धीरे सीखते हैं, तर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर गिरते हैं, पर ऐसे दिखाते हैं। होता है कि जब अपनी बहन को ऐसे बाहर लेकर जाना या भाभी को बाहर साथ में लेकर जाना, दिल तो नहीं मानता ना कि अपनी बहनों को बाहर लेकर जाओ, उनको तो होता है कि घर में रखना चाहिए या कोई और पढ़ाओ और कोई और काम में लगाओ। अरे करता तो हमारे बाप दादा में ही चलता, हमें ही कर, इसमें कुछ इसी में हम खुश हैं। ਭੁੱਖ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰਬਾਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਢਿੱਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, क्योंकि आप जो रोड के उपर जी लंघते हैं ना तो आप देख के कह देना लै भी वो करते हैं, चलो भी चलीए चलीए, पर मेहनत प्रैक्टिस पता नहीं की कुछ करनी पै गया, पता नहीं की मजबूरियां रही हो कुछ करना पै जाए। क्योंकि आप अक्सर फिल्मों के ये चीज़ देख लें कि लै भी बल्ला 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 क्या हीरो ने स्टंट मारिया, क्या करतब करके दिखाया, क्या छलांग मारी उन्होंने, तो पता नहीं किनिया रस्सियां किनिया कहते हैं सहूलत दिखा हो, पर और की सहूलत मैनू तो फिलहाल कोई दिखी नहीं है। दो मेज ने आई देख सकते हो कि शरीर किधर तो किधर नू लै गए, आप जहाँ कुछ हो जाता है तो वे वाहवा ही लुट्ट पै जाते हैं, पर और सिर्फ एक अपने शरीर नाल कुछ करना पै रहा है, एक रोटी कमाने वास्ते। आप बाई जी ने साढ़े नाल ने करते हैं, बाई जी की नाम है? मैं दर्शकों मैं एक गल होर दसदा कि जो मैं इन्हों का नाम पूछा ना पहली बार साइड से ले जाके, बाई जी की नाम है, तो बाई जी कहते मैं किसी नाम नहीं दसदा, पर आप बाई ने बाई जी की नाम है, नाम जरूर दसो। सन्नाटा है, सन्नाटा पहले तो हमारा बादल था, पहले तो हमारे मामे ने डाल दिया ना, पहले वहाँ हमारा नाम बादल था, हमारे मामा ने ये नाम पार दिया। अच्छा, हमारे मामा ते आ भाई जिससे हमारी भाभी है, एक बहन है, एक भतीजी, बस इतना आदमी। हम सारा परिवार यही काम करता है।
अब तो बहुत लोग तो अब तो काम करते हैं, अब ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, हाँ ज़्यादा नहीं, अब तो काम करने जाते हैं, हमारा पापा भी काम करने जाते हैं, सब लोग काम करने जाते हैं। कितना जे मैं पूछा कि किन्ना के दिहाड़ी बन जाती है, मैं बिल्कुल सही तरीके ना जे देखा जाए कि बन जाती है? ये तो किस्मत की बात है, कभी एक दिन में हमें कभी 2000 भी कमा लेते, 1500 भी, 1000 भी, 700, 500, किस्मत की बात, हमको नहीं मिलता ना तो हम किसी से जबरदस्ती छीनने थोड़ी जाते हैं, छीनने नहीं जाते हैं, जबरदस्ती मांगते भी नहीं है, मर्जी हो दो, नहीं मर्जी है तो मत दो, किसी से जबरदस्ती नहीं मांगते हम, जो हमारे नसीब में रहेगा मिल जाएगा। खाने पीने से हमको भगवान की दया से कमी नहीं रहती है, खाने पीते आज़ाद रहते हैं। रहने कितने हो, किड़ी जगह तो रहने हो? लुधियाना। लुधियाने रहने अंदर तो असं खड़े हैं खन्ने शहर के बच्चे, लहेड़ी चौंक है, ये लहेड़ी चौंक का जोड़ा घट आ उस पिलर के नीचे एक जगह बनी हुई है जिथे लेबर खड़ती है सारी, असी उ खड़े हाँ। तो तुम हूँ स्पैशल लुधियाने तो रहे आए हो? हाँ हाँ। फिर किन्ने बजे निकल जाने घरों काम करने वास्ते? जैसे हम चलते हैं ऐसे 5 बजे भी चले जाते हैं तो 6-7 बजे पहुँच जाएगा, 5 बजे चलेगा तो 6-7 बजे पहुँच जाएगा, 6:30 बजे पहुँच जाएगा घर पे। और कभी लेट भी हो जाते हैं, कभी जल्दी भी चले जाते हैं, कभी लेट भी हो जाते हैं ऐसे। हाँ कई बार जिमें कई बार मेले लगते हैं पिंड कोई होर लग्या हों, फिर उत्थे भी जाने हो, कई बार दूर जाना पै जाता है मेले, हम जहाँ मर्जी दिखाते हैं, गाँव में, शहर में, मार्केट, बाजार, मोहल्ला, कॉलोनी, बस्ती, हर जगह दिखाते हैं। आन जान फिर किमें बस ही जाने हूँ कुड़ियाँ ती चिड़िया नाल ने ना कि अच्छा वो गाड़ी जी खड़ी है, अच्छा ये सारे इकट्ठे बैठ के जाने हैं। तो भाई जे मैं गल करा कि हूँ उम्र कुछ भी नहीं, बच्ची बहुत छोटी है, सरकार कहती है कि छोटे बच्चों तो कम नहीं करवाना चाहिए, की पढ़ाई की कीती है? पहले तुसी पढ़ाई दसो, किसी ने पढ़ाई की है, तुसी पढ़ाई की है? नहीं पढ़े नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं, पहली दूसरी नहीं पढ़े हम, अब हम पहले का अब क्या बताया, पढ़े नहीं भाई। आप बेसिकली है कहाँ से हो, पीछे कहाँ से? इलाहाबाद यूपी। लुधियाना में कितना समय हो गया यहाँ पर है? हमारा तो बचपन गुजर गया, हमको यहाँ कॉलोनी भी मिली है सरकारी, यहाँ रहते कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ तो हमारा बचपन गुजर गया है, बहुत दिन से रहते हैं, पहले हमारे पास यहाँ झुग्गी रहते हैं पखोवाल में, पखोवाल में पहले रहते थे, वहाँ से फिर सरकारी मकान मिल गया हमको, 10-15 साल तो पूरा हमको सरकारी मकान मिल गया भाई। उन बच्चे ने छोटिया थोड़िया जिम्मे आप देख सकते हो भैन ने है ना, छोटिया कुड़िया भी ने, मासी की कुड़ी है जी करतब दिखा रही थी, इन्होंने सोचा नहीं कि पढ़ा दिए चल कि आप कम चकाणू पाना? ये हमारे बाप दादा मामा यही करते हैं, हम अब तो पढ़ते हैं, अब ज़्यादा नहीं दिखाते, अब पढ़ते भी है हमारे जात में। सोचा है कि आपकी शादी हुआ है? शादी हुई है आप? शादी नहीं हुई है। फिर अब मान लो आपकी शादी होती है फिर बच्चे होंगे तो उसको लगाओगे इस काम में? नहीं लगाओगे ना? नहीं लगाओगे, इसको नहीं लगाएंगे यार, इतना रिस्क होता है, जैसे अभी शॉर्ट चल रहे होंगे, जैसे टीवी पे ऊपर भी शुरुआत में भी चले होंगे, तो इतना रिस्क रहता है, सरिया मोड़ना है लोहे का, बोतल के ऊपर भी करना, फिर ये सिखाता कौन है, असल में सिखाता कौन है? हमारे बाप दादा पुरखे से पहले हमारे यही काम, बचपन से हमारे यही काम चल रहा है, यही करते हैं हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, यहाँ तो हमारा बचपन गुजर गया, हमारे बाप दादा के पहले पुरखे वो गुजर गए, वो भी यही दिखाते थे, गाँव में दिखाते थे, हमारे तो जाद वाले सभी जगह है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, जहाँ मर्जी जाओ हमारे जात वाले मिलेंगे इसे, हर जगह रहते हैं हमारे। अब क्या सोच रहे हो, अभी सोचा है कि मैं ये काम आगे चलाओगे, जैसे आपके बच्चे होंगे तो उसको भी इसी काम में पढ़ाना, कि उसको पढ़ाओगे कोई और काम पढ़ाएंगे, ये आगे जाकर छोड़ देंगे हम ये काम, फिर आगे तो अपना सोचेंगे, अभी शादी हो जाएगी तब, जब तक चल रहा अभी एक दो साल दिखाएगा नहीं तो फिर शादी हो जाएगी। जिंदगी का भी रिस्क रहता है, जिंदगी का भी खतरा रहता है यहाँ पे, जैसे सरिया मोड़ना, बोतल के ऊपर अगर हवा या कोई और गलती हो जाए, क्योंकि किस्मत क्या पता चलता है कि क्या हो जाए, जिंदगी का तो रिस्क रहता है ना? हाँ बहुत दिन से दिखा रहे हैं, हमारे में तो ऐसे नहीं हुआ है, भगवान का
भगवान का नाम लेकर लिखाते हैं, अब कहानी हुआ। कितनी साल की उम्र से सिखाना शुरू कर देते हो? हम खड़े हो जाते हैं, कितनी साल की उम्र से सिखाना शुरू कर देते हो? ऐसा छोटे रहते हैं, पहले धीरे धीरे दिखाते, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते, सीख जाते अपने आप, प्रेस्टिक रहती है, धीरे धीरे सीखते हैं, दर्द गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर गिरते हैं, बस ऐसे दिखाते हैं हम। अभी कहाँ जाओगे? अभी जब अब हम अभी जा रहे हो आप, तो अभी कहाँ जाओगे आगे? जहाँ ऐसा मोहल्ला मिलेगा दिखा लेंगे, ऐसा मिलेगा कोई अड्डा मिल जाएगा तो दिखा लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर ऐसे ही घूमते घूमते, कोई मोहल्ला है, कोई सब्जी मंडी, दाना मंडी, बस स्टैंड, कॉलोनी में, मोहल्ले में से दिखाते हैं। लोग कहते तो नहीं है ना कि बच्चों से करवा रहे हो, कि कभी कभी रोक देते हैं कि यार ऐसे मत करो? नहीं, कोई हरामी रहता तो बोल देता, फिर बाद में कोई समझदार है तो दिखाओ दिखाओ, अपना पेट के लिए दिखा रहे, दिखाओ दिखाओ, कोई बात नहीं, जिसका काम है अपना काम है, दिखा रहे दिखाने दो। ऐसे कोई समझदार रहता बोल देता, कोई हरामी रहता अरे यहाँ से उठा उठा ऐसे बोल देता, तो हम चले जाते, किससे लड़ने नहीं जाते, कहे यार भाई लड़ने नहीं जाते, अपना काम उठा लेते, बढ़िया बिस्टर उठा के चले जाते दूसरी का। दिल मानता होता है कि जब अपनी बहन को ऐसे बाहर लेकर जाना या भाभी को बाहर साथ में लेकर जाना, दिल तो नहीं मानता ना कि अपनी बहनों को बाहर लेकर जाओ? उनको तो होता है कि घर में रखना चाहिए, या कोई और पढ़ाओ उनको, और कोई और काम में लगाओ। अरे करता तो है, हमारे बाप दादा में ही चलता, हम यही कर, इसमें खुश, इसी में हम खुश हैं, इसमें। अरे अगर कोई कहे कि हम चलो इनको पढ़ा देंगे, आप ये काम मत करवाओ इनसे, फिर पढ़ा दोगे? पढ़ते हमारी जात में तो पढ़ते हैं, पढ़ते अब पढ़ते, अब तो पढ़ते, पहले नहीं पढ़ते थे, अब तो पढ़ते हमारी जात में। अभी आप अभी जाने की जल्दी, इन्होंने जान की बहुत जल्दी है कि क्योंकि ये कहते कि असं निकलना आ, तो भाई अपने जाते जाते अपना फोन नंबर जरूर दस दो, जो दर्शक थोड़े संपर्क करना चाहते हो। नंबर उसके पास हो गया, नंबर उठी आ गया, 7716045229। तुम्हारा क्या नाम है? ऋषि। ऋषि, तुम इनके छोटे भाई हो? हाँ। तो तुमने भी नहीं पढ़ाई की बिल्कुल भी? क्यों? पढ़ाया लिखाया नहीं। तुम भी पहले करते थे जैसे ये कर्तव्य करते हैं, तुम भी करा करते थे? कितने साल की उम्र में करने लगे थे? हाँ, जब कितनी उम्र थी जब ये करने कर्तव्य करना शुरू किया? किसने सिखाया, किसने था घर वालों में? 4 साल से कर रहे थे, 3-4 साल हुआ था इससे कर रहे थे, अब छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया दर्शकों। मैं यही दिखाना चाहता सी कि भाई पेट दी भुख, रोटी दी भुख, पता नहीं लोगों तो की करण ते मजबूर कर देंदी आ। अज जदों असी और गुजर रहे सी, असी सिर्फ गुजर रहे सी, असी जाना सी अगे और वो देखा जदों पहली बार, तो असी भी देखते रह गए कि एक छोटी उम्र दे विच आ इन्ना कर्तव्य, इन्ना कहते जिंदगी का रिस्क, कहते जे कामयाब आ तो सर्कस है, नहीं तो जिंदगी का रिस्क ही रिस्क। उम्मीद ही रखेंगे तुम इस वीडियो में बद तो बद शेयर करोगे, इस वीडियो में बद तो बद शेयर करो, तद तक ले मैंने जानी दो इजाजत दे दे रहा है। धन्यवाद।